आज देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर था जब भारत की प्रथम आदिवासी और सुयोग्य राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद के बजट सत्र को शुरू करने के लिए अपना अभिभाषण पढ़ा। यह देश के लिए बहुत गौरव का क्षण था और यह बहुत पीड़ा की बात है कि भारतीय संसदीय मर्यादा के सम्मान के लिए इतने महत्वपूर्ण अवसर पर आम आदमी पार्टी और टीआरएस ने इस अभिभाषण को का बहिष्कार किया। यह बहुत ही पीड़ादायक है। इसका मतलब क्या है? क्या देश की राजनीति में विरोध के लिए हम सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर देंगे? आपको जितना सवाल खड़ा करना था आप खड़ा कर लेते, सरकार की ओर से उसका प्रभावी जवाब भी दिया जाता। लेकिन आपने बहिष्कार किया क्यों? क्यों किया आपने? यह आपने देश के राष्ट्रपति के मर्यादा का अपमान किया है और भारत की संसदीय परंपरा की मर्यादा को भी बहुत ही निचले स्तर पर आपने उतारा है।